राहुल गांधी के काफिले में एक एम्बुलेंस फंस गई। काफिले की वजह से घंटों एम्बुलेंस रुकी रही, एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा। राहुल गांधी का काफिला निकल जाने के बाद बामुश्किल एम्बुलेंस को निकाला गया। क्या ऐसे बदलेंगे राहुल यूपी की तस्वीर को 26 साल या फिर 27 साल से बेहाल जो दावा है यूपी में कांग्रेस की, ये कैसी यात्रा है? एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें हैं और शोचनीय तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक माहौल बनाने की वजह से आम आदमी की जिंदगी पर किस तरह से बनाती है। ये काफिला जब सड़क से गुजरा तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और 27 साल बेहाल यूपी की जो बात करती है कांग्रेस, उस पे एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा कर दिया कि इस बेहाली को कैसे दूर करेगी कांग्रेस। एक काफिले ने जब आम आदमी की जान पर मुश्किलें खड़ी कर दी तो फिर किस तरीके से मुश्किलें दूर करेगी कांग्रेस। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा, एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश करता रहा लेकिन घंटों लग गए इस पूरी कवायद में। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ आ रहे हैं अम्बेडकर नगर से। क्यों रुका हुआ है ये? जाम लगी हुई है, राहुल गांधी का प्रोग्राम है। कितना सीरियस है मरीज आपका? मरीज सीरियस है, वहाँ से रिफर हेड इंजरी है, इसको सीटी स्कैन करना जरूरी है। और फैजाबाद से मेरे सहयोगी मोहम्मद तनवीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तनवीर, कितनी देर तक, कितने घंटे तक ये तमाशा चलता रहा? फैजाबाद की आपको पता है राहुल गांधी का रोड शो था जिसमें जबरदस्त जाम लगा था, लगभग घंटों भर का जाम ही इसमें लगा था राहुल गांधी के रोड शो में, जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस फंस गई थी। जिस एम्बुलेंस जो थी अम्बेडकर नगर से फैजाबाद रेफर किया गया था, एक मरीज जो है इंजरी का था और सीरियस बताया जा रहा था, उसके बावजूद भी जो है एम्बुलेंस जो है वही फंसी रही जाम में काफी देर तक। बहुत मशक्कत के बाद वो एम्बुलेंस निकल पाई थी। तो क्या इस बीच नेताओं को या फिर कार्यकर्ताओं को जो काफिले में मौजूद थे उनको इत्तला नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि आप रास्ता छोड़िए, मरीज का निकलना बहुत जरूरी है? आपको पता है दरअसल कार्यकर्ता इनके राहुल गांधी कितने उत्साहित थे कि रोड शो के चक्कर में उन्होंने आम जनता का ख्याल ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ। और जिस तरीके से आम जनता परेशान हो रही थी उनका इसका बिल्कुल ख्याल नहीं था कि उनका सिर्फ एक मकसद था कांग्रेस पार्टी के यहाँ पदाधिकारियों का कि राहुल गांधी का रोड शो कैसे कामयाब हो। और एक साइड तरफ दूसरी तरफ इस तरीके से एम्बुलेंस खड़ी थी, मरीज परेशान था, आम जनता परेशान थी, कहीं ना कहीं इस तरीके से कांग्रेस को 2017 का जो इलेक्शन होने जा रहा है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेगी जी। और तनवीर, जिस पेशेंट को एम्बुलेंस के जरिए लेके जा रहा था उसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है, कैसी है उसकी तबीयत? जी आपको बता दें उसको फैजाबाद रेफर किया गया था, अम्बेडकर नगर से रेफर किया गया था उस मरीज को, उसके बाद उसको जो लाके यहाँ एडमिट किया गया, अभी उसकी हालत जो है स्थिर बनी हुई है, फिलहाल जो है डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं जी। शुक्रिया तनवीर तमाम बातचीत के लिए। और ये तस्वीरें बयां करती हैं उस बदमिजाजी की, उस बद इंतजामी की जो राहुल गांधी के इस रोड शो में देखने को मिली। किस तरीके से एक शख्स, एक आम आदमी परेशान रहा, तड़पता रहा, हेड इंजरी उसको थी, बहुत सीरियस केस था, उसका यहां से निकलना जरूरी था लेकिन घंटों लग गए इस पूरी कवायद में। फिलहाल पेशेंट की हालत स्थिर बताई जा रही है लेकिन यहां पे राजनीतिक मिजाज को बनाने के लिए किस तरीके से आम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूकते राजनेता, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं।